दूसरा जो एक नया पक्ष प्रकाश में आया है कि पीड़िता अपनी डायरी लिखती थी और वो अपने पिताजी से उसको साझा करती थी और उसके बहुत से पन्ने और उस दिन के पन्ने गायब है। सबूतों की तो ऐसी श्रृंखला है कि उस विषय के ऊपर क्या बोला जाए ये कहने में आपने देखा कि प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो, उसको दूसरे का कॉलेज में बहाली हो, 40 से अधिक डॉक्टरों का आनन फानन में ट्रांसफर, पीड़िता के शव को सौंपने के कई घंटे बाद FIR, समय से पहले उसे जला देना, डायरेक्टर से पूछताछ न करना, और उससे अधिक गंभीर बात जो प्रश्न पूछ रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मैं एक नैतिक सवाल भी पूछना चाहता हूं कि सोशल मीडिया या वक्तव्य में यदि कोई भी व्यक्ति बयान दे देगा, सर्वोच्च न्यायालय ने इसका भी संज्ञान लिया है, तो जिस प्रकार से कार्रवाई आवश्यकता थी कि कठोर कार्रवाई यह सरकार करती उन लोगों के विरुद्ध जिन्होंने यह कार्य किया था, उल्टे कार्रवाई उन पर हो रही है जो कि इंसाफ की मांग उठा रहे हैं। चाहे 23 वर्षीय पॉलिटेक्निक की छात्रा सागनिका लाह ने इस घटना को लेकर सरकार पर हमला किया तो गिरफ्त उसको गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर दी गई, भवानीपुर में एक छात्रा ने यह विषय को उठाया तो पश्चिम बंगाल सरकार ने उसे गिरफ्तार कर लिया, 18 वर्षीय छात्रा कीर्ति शर्मा को। पीड़िता के माता पिता ने भी बयान दिया, और तो और तृणमूल कांग्रेस के शांतनु सेन ने कॉलेज के खिलाफ बोला तो ऐसी जानकारी आई कि उन्हें प्रवक्ता पद से हटा दिया गया, और तो और स्वयं उनके सांसद सुखेंदु शेखर ने जब यह प्रश्न उठाया तो उनसे पुलिस जवाब तलब करने लगी। हमारे सांसद से कर रही है, वो तो उनकी प्रवृत्ति हमेशा से पता है, पर आप सोचिए कि अपने सांसद और अपने नेताओं पर भी कार्रवाई कर रही है, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है।